जेड़े साढ़े दिले दे टैक्स ना वही लगने रेहदे न, लेकिन मेरे ख्याल च नहीं शर्म फेर भी नहीं है साढ़े दिले दे टैक्स लैन गए। हुण मोदी साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि जम्मू कश्मीर से मैं खुश हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अंडरस्टैंड होनी चाहिए दैट यू हैव टेकन द ओथ टू सर्व द पीपल इन जनरल एंड डोंट ट्रीट देम बेड बकरियां। जम्मू कश्मीर के नाम पे पूरे देश से वोटें लेनी है। हमने 370 तोड़ दिया, हमने राम मंदिर का झगड़ा खत्म कर दिया, ये चीजें दिखा के उन्होंने वोटें लेनी है। उनको जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। जहां तक हमने बात की, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर रोड पर है, रिशिदा बेगम जी हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? आज का दिन आप किस तरह से देखती हैं? आज जम्मू बंद है, जम्मू किस आग में सुलग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जनाब ये जम्मू बंद इस कारण है साढ़े राजपूत सभा के जेड़े बच्चे न और प्रधान न वो सारे अंदर न, उनकी वजह करने असी बाहर निकले हैं और इस कारण है कने जेड़ा ये स्मार्ट मीटर न जेड़ा प्रॉपर्टी टैक्स है ये पर असी टोल प्लाजा है ये पर असी बाहर निकले हैं। लोगों की इन्हें जिंदगी खराब कर छड़ी है, बहुत ज़्यादा जिंदगी खराब कर छड़ी है इन्हें। और एस आई जी मेरे ख्याल से जाना चाहिए, जिथों का आया उ जाना चाहिए वापस और लोगों की जिंदगी मत खराब कराए। देखो बेचारे धरना कटे लोग आसा कटे अपने आसा थोड़े आ कटे और पब्लिक वास्ते बाहर निकले दे है। लेकिन आई जी साहब खुद कहते ही भाई मैं खुद बंद करांगा, लेकिन हूं की तकलीफ हो कर दी उन्होंने छड़न की, उनके पर केस बना दिते इन्हें, केस बना के दे उन्हें जेल से ठोके द उठूए जेल च ठोके दा। असी गया उन्होंने मिलने वास्ते भी सानू मिलन नहीं दिता, नहीं मिलन ना उन्हें मिलन नहीं आख्या दिता। असे ही आख्या भाई जित्थू दे आए ने ना तुहानू भी अंदर ठोकना है। हां चले जाओ, तुसी आख्या तुसी भी ठोक ठोकना, हां तुहानू भी ठोकांगे अंदर। तुसी की लगदा सर रोड टोल प्लाजा गलत है? नहीं गलत ते है ही है, गलत ते है ही है, ओ 60 किलोमीटर दे दायरे च आंदा ही नहीं आओ। गलती है जो की गलत है, ओ गलती है जम्मू जेड़ा है। इसलिए तुसी कियां लगदा कि गलत चीज जम्मू च कियां लगी दी ने सानू? वो लगी दी इन्हें आपू ही आख्या ही भाई असी ढा देंगे, हूँ ये बिल्कुल नहीं जेड़ा दोबारा परती है इन्हें जेड़ा इन्ने साले का ये पैसा खाई आ देन, नोटे दिया टैचिया दे टैचिया हमदे शाह कोल जा रही और मोदी कोल जा रही। ये मैं अपील करने चाहनी हाँ मोदी साहब ही भी आने वाला, मेरा जम्मू कश्मीर बड़ा खुश है, खुश है वो आपू पता चलेगा ना इलेक्शन क्यों नहीं कराता पिया, खुश है। लेकिन एक बात बताऊं आपके माध्यम से, मोदी साहब का कहना बिल्कुल ठीक है कि जम्मू कश्मीर से मैं खुश हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग खुश नहीं हैं। अब लोग देखने हैं या जम्मू कश्मीर देखना है, घर देखना है या घर के लोग देखने हैं? रही बात, आपने एक क्वेश्चन रेज किया कि जे जानते हुए कि टोल प्लाजा कैसे लगा, ये मुझे आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। जिन्होंने लगाया वो लोग नहीं लगाने वाले हैं, जिन्होंने सैंक्शन किया वो लोग नहीं हैं, जिन्होंने कमीशनें खाई वो लोग नहीं हैं। मैं इस माध्यम से जय कहूंगा, इवन इवन ऑनरेबल गडकरी साहब को भी पता होगा कि कितनी कमीशन उनके नॉलेज के बगैर चली गई। और जबकि एक स्टैंडिंग डायरेक्शंस है कि 60 किलोमीटर के अंदर दूसरा टोल प्लाजा नहीं लगेगा, हाउ द सेम हैज बीन इरेक्टेड। जहाँ तक एलजी साहब की बात है, एलजी साहब हैज टेकन दी ओथ टू प्रोटेक्ट दी स्पिरिट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट टू प्रोटेक्ट दी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय मोदी साहब एंड अमित शाह। तो ये चीज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को अंडरस्टैंड होनी चाहिए दैट यू हैव टेकन दी ओथ टू सर्व द पीपल इन जनरल एंड डोंट ट्रीट देम बेड बकरियां। मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप भी काफी यंग हैं, आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। जब सरोड टोल प्लाजा वहां पर लगा था, अभी तक भी वो इलीगल है, लेकिन इलीगल चीज के लिए किस तरह से इतनी प्रोटेक्शन उसे दी जा रही है जम्मू कश्मीर में? भाजपा आज की डेट में राज किसका है? भाजपा का, भाजपा ही उसको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर भाजपा प्रोटेक्ट ना कर रही होती तो आज जो जम्मू जम्मू के नारे लगाते थे क्या वो सड़कों पर ना होते? वो भी सड़कों पर होते, ये साफ है, ये भाजपा का ही प्रोटेक्ट किया हुआ है। और भाजपा ही आज आपके चैनल के राही हम सुनते हैं कि आज हम एलजी साहब से मिल रहे हैं, आज हम
दिल्ली जा रहे हैं, और बड़ा अफसोस से ये कहना पड़ता है, आज हमारा देश चांद तक पहुंच गया है, पर जम्मू कश्मीर की चिट्ठी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं पहुंची। पिछले 5 दिन लग गए हैं, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर चिट्ठी नहीं पहुंची। हमारे भाई बेकसूर जो थे, जिन्होंने जम्मू की आवाम के लिए हक उठाए, शांति भंग की, उन्होंने पत्थर चलाया, ब्रीच ऑफ पीस, उन्होंने कहा पत्थर चलाया, नहीं चलाया वो शांति, मैं भी उनके का नहीं, मैं आइए ही वापस, लेकिन मैं भी 2 गड्डियां पर ये लेडीज दिया लाके गए थी, मैं वापस आई, कोई पत्थर नहीं चलाया उन्हें, कोई कुछ नहीं, शांति तरह वो करे कर दे नारेबाजी। जी एक सवाल है मेरा आपसे, जिस तरह से मैंने कहा ना आप यंग हैं, तो मेरे सवाल भी आपसे यही होंगे, आपने कहा कि ठीक है उसे भाजपा जो है वो प्रोटेक्ट करिए, लेकिन जब आज पूरा जम्मू कश्मीर भी बाहर निकल चुका है, क्या पूरे जम्मू कश्मीर की आवाज इतनी नहीं है कि वहां तक पहुंची जा सके? जम्मू कश्मीर की आवाज वहां तक नहीं, पूरी दुनिया में गूंज रही है, पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने कानों में रुई डाल के रखी है, उनको जम्मू कश्मीर की आवाज सुनाई नहीं देती है, इसलिए उनकी आवाज सुनाई नहीं देती है, क्योंकि उन्होंने जम्मू कश्मीर की जनता से कुछ नहीं लेना, जम्मू कश्मीर के नाम पे पूरे देश से वोटें लेनी है। हमने 370 तोड़ दिया, हमने राम मंदिर का झगड़ा खत्म कर दिया, ये चीजें दिखा के उन्होंने वोटें लेनी है, उनको जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। जम्मू कश्मीर की जनता को उन्होंने 370 टूटने के बाद जो झूठे वादे किए, प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर का तोहफा दिया, वाइन शॉपें जम्मू कश्मीर को तोहफा दिया, उसके अलावा टोल प्लाजा जम्मू कश्मीर को तोहफा दिया, स्मार्ट मीटर तोहफा दिया, प्रीपेड मीटर तोहफा दिया, अब और कितना तोहफा देना है बस करो, अब जम्मू कश्मीर जाग चुका है। वही लगने ने जेडे साडे दिले दे टैक्स ना, वही लगने रे दे ना, लेकिन मेरे ख्याल जी नहीं शर्म फेर बुनी है, साडे दिले दे टैक्स लैन गए हुन जेडे साडे दिल ना चला दा हार्ट चले करदा ना साडा जम्मू के लोगों की आवाजें भी सुनाई दे रही होगी। ये अलग बात है कि अब जम्मू के लोगों की आवाजें दबी हुई क्यों रह जाती है ये समझ में नहीं आता, लेकिन अगर वाकई में आप जम्मू के हैं, आप घर पर बैठे, तो जम्मू के लोगों की आवाज को आगे पहुंचाइएगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि दिन रात में जो है किसी का भी कोई मसला हल कर सकता है। अभी युवा राजपूत सभा की सपोर्ट में एनसी के वर्कर्स भी थे और तमाम जम्मू के मुद्दों को लेकर भी एनसी के वर्कर्स जो है वो यहाँ पर उतरे थे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन न्यूज़, साथ ही साथ आप इस न्यूज़ चैनल को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो जरूर